स्टूडेंट्स विल बी टीच सेकंड रेगुलेशन अवर लाइफ सपोर्ट, इसका आज हम पार्ट टू देखेंगे। ओके, उस दिन मैंने पार्ट वन सिखाया था, अभी उसके आगे का जो लेसन है जैसे जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में जानकारी दी है, फिल्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 134। तो जो ये लेसन है उसका जो पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में सिखाया, उसके आगे का जो पॉइंट है वो है एयर पोल्यूशन, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यानी जो हवा होती है वो प्रदूषित किस तरह से होती है। एयर पोल्यूशन इज द डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द एयर। एयर में जब अनडिजायरेबल सब्सटेंस ऐड हो जाते हैं तब वो क्या होती है, पोल्यूटेड हो जाती है। एयर इज पोल्यूटेड बाय द वेरियस रीजन, द स्मोक प्रोड्यूस फ्रॉम द बर्निंग ऑफ ए डंग केक, वुड, कोल इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल पोल्यूटेड एयर। तो देखिए जो डंग केक होता है यानी काउडंग है, ठीक है, वो जलाने से, ठीक है, लकड़ी जलाने से, कोल जलाने से, इंडस्ट्रीज से, या ये जो व्हीकल्स होते हैं वो मैक्सिमम वही है उसका रिसोर्स, उससे क्या आती है, प्रदूषित हवा बाहर निकलती है, तो उससे जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है। जैसे देख सकते हो फैक्ट्री का पिक्चर दिया गया है, वहां से जब भी प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें से क्या निकलता है, दूषित हवा बाहर निकलती है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, उससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। स्मोक पोल्यूटेड द एयर एंड मेक इज अनफिट फॉर ब्रीथिंग। तो उसमें क्या होते हैं, वो पोल्यूटेड हो जाते हैं स्मोक, और उससे हम ब्रीथिंग यानी हम जो श्वासोच्छ्वास करते हैं उसमें हमें तकलीफ हो जाती है। इट ब्रिंग द टीयर्स टू यूअर आईज एंड मेक्स देम रेड। इससे क्या होता है, हमारे आंखें लाल हो जाते हैं, ठीक है। Thus the factories, automobiles and burning fuels give out smoke which polluted the air. Polluted air is a very harmful and spread many diseases. तो जो फैक्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स है, ठीक है, उससे स्मोक बाहर निकलता है, उससे क्या हो जाते है, एयर गंदी हो जाती है, ठीक है, उसमें हार्मफुल कुछ सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, और हमें बहुत तरह तरह के जो है श्वसन यानी जो रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसके डिसीज होते हैं। तो आगे का हम अभी पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए प्रिवेंशन ऑफ द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन किस तरह करनी चाहिए। फैक्ट्री शुड बी सेट अप फार अवे फ्रॉम सिटी। तो हमें अगर एयर पोल्यूशन रोकना है तो जो फैक्ट्रीज होती है वो सिटी के बाहर होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल्स शुड बी चेक फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर ए हार्मफुल गैसेज दे रिलीज इन द एयर। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं यानी जो व्हीकल्स होते हैं उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। इको फ्रेंडली फ्यूल सच एज अ CNG एंड PNG शुड बी यूज टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। तो उसके अंदर CNG PNG का इस्तेमाल हमें करना चाहिए गैसेस का। फैक्ट्रीज शुड बी ऑर्डर टू ट्रीट देयर द हार्मफुल गैसेज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इन टू द एयर। Grow more and more trees around you. Keep the windows and ventilation of your house open to ensure free supply of fresh air. तो जो फैक्ट्री है तो उसमें फैक्ट्री से जो बाहर धुआं निकलता है उसकी हमें चेकिंग करनी चाहिए हमेशा, ठीक है। देन हमारे आजू बाजू में हमें प्लांट लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए। देन हमारे घर में वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज ओपन रखनी चाहिए जिससे फ्रेश एयर आती है अंदर और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ओके, देखिए नेक्स्ट है वाटर टू सपोर्ट लाइफ। वॉट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ए लाइफ। अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर विद वाटर। वाटर हमारे जो है जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। वाटर के बिना कोई काम नहीं होता, हमें जीवित रहने के लिए भी वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारी अर्थ है उसका 3/4 जो पार्ट है वो वाटर से कवर है, ढका हुआ है। ऑन अर्थ पॉन्ड लेक ओशियंस आर द सोर्स ऑफ वाटर। तो अर्थ पे पॉन्ड है, लेक है, ओशियन जिससे हमें पानी मिलता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन से हमें ज्यादा पानी मिलता है। एवरी लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन द वाटर, देयरफॉर इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द गेटिंग पोल्यूटेड। इसलिए हमें वाटर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे जो है कि पोल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। एज अ रेन वाटर फ्लोज ओवर रॉक्स एंड सॉइल, इट कैरीज मेनी इम्प्योरिटीज विद इट। जब रेन वाटर बारिश आती है तो पर्वत से जब पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है। आर टू काइंड्स, तो वो देखिए गंदगी टू टाइप्स की होती है, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज लाइक साल्ट, मिनरल्स एंड केमिकल्स आर डिजॉल्व इन द वाटर। जो इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, उसमें साल्ट रहता है, मिनरल्स होता है, केमिकल्स होता है। दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, उसे कहते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटीज। एंड इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, मड्स एंड बीड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, दिस इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज। तो जो एनिमल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, मड्स होते हैं, बीड्स होते हैं, ठीक है,
तो एनिमल के या प्लांट के कुछ अवशेष होते हैं जो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते, उसे कहते हैं इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज़। जैसे कि यहाँ पे साल्ट, मिनरल्स, केमिकल, ये क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, तो उसे कहते हैं सोल्यूबल इंप्योरिटीज़। ओके, देखिए रिमूविंग इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज़, तो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज़ है उसे हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय द सेडिमेंटेशंस, डिकेंटेशंस एंड अ फिल्ट्रेशन। ओके, सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशंस किसे कहते हैं, टेक द मिक्सचर ऑफ ए सैंड्स एंड वाटर। हमें हमें जो है कि वाटर और सैंड का मिक्सचर लेना है, जिसमें जो है सैंड, रेत और वाटर डालना है। सिंस सैंड इज अ हेवियर देन वाटर, आप सभी को पता है सैंड कैसी है, हेवी है, ठीक है। अलाउ टू द सेटल टू द बॉटम ऑफ द ग्लास, दिस प्रोसेस ऑफ ए सेटिंग ऑफ ए सैंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस दी गई है, यहाँ जो है सेडिमेंटेशन है, इसमें जो है कि सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया है। नाउ पोर आउट द लिक्विड केयरफुली फ्रॉम अदर ग्लासेस लिविंग द सेडिमेंटेशन बिहाइंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए डिसेंटेशन। यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले क्या करना है, सेडिमेंटेशन में जो है कि हमें सैंड और वाटर का मिक्सचर लेना है। सैंड कैसी होती है, वेटेड होती है वाटर से, इसलिए वो नीचे आएगी, जगह पर रुकेगी। देन वाटर जो है ऊपर रहेगा, तो हमें साइड में बाद में क्या करना है, डिसेंटेशन में एक पेपर लेकर वाटर निकाल लेना है, इस साइड में जो है कि हमें सैंड दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे फिल्ट्रेशन की भी प्रोसेस दी गई है। ओके, तो ये तीनों डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है साइंस की नोटबुक में। नेक्स्ट पेज पे फिल्ट्रेशन दिया गया है, टेक ए पीस ऑफ ए फिल्टर पेपर एंड मेक अ फनल। तो फिल्ट्रेशन में हमें क्या करना है, पीस जो है कि पीस लेना है और फिल्टर पेपर, ठीक है, और फनल लेनी है। पोर सम सैंडी वाटर इनटू इट, और उसमें क्या करना है, हमें पानी जो है कि जिससे सैंड होती है, रेत से भरे हुआ पानी, उसमें से पोर करना है। द फाइन होल्स इन द फिल्टर पेपर अलाउ टू लिक्विड टू पास थ्रू बट नॉट द सैंड पार्टिकल्स। द सैंड पार्टिकल आर दैट रिमेन ऑन द पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, व्हाइल द लिक्विड विच पासेस थ्रू इट्स कॉल्ड ए फिल्टर। तो इसमें क्या करना है, हमें फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है, और फनेल लेना है, और जो है कि जिसमें सैंड और वाटर मिक्स रहेगी। तो देखिए डायग्राम से समझाती हूँ मैं, इम्प्योर वाटर यानी जिसमें क्या है, सैंड है, वाटर है, हमें क्या करना है, इसके अंदर एक पेपर रखना है, फिल्टर पेपर, और एक फनेल रखनी है, उसके ऊपर जो है कि पेपर रख देना है। देन ये इम्प्योर वाटर उसके ऊपर पोर करना है, तो ये जो फिल्टर पेपर है इसको होल रहेंगे तो प्योर पानी अंदर चला जाएगा, और जो पार्टिकल रहेंगे रेत के तो वो ऊपर ही रहेंगे, उसे फिल्ट्रेशन करते हैं। डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी सोल्यूबल होती है उसे किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, अभी हमने देखे थे वो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी। देखिए द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, तो हम उसे इवेपोरेशन कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। देखिए इन इवेपोरेशन सी वाटर कलेक्टेड इन ए शालो बेड्स इट अलाउ टू इवेपोरेट इन द सन, द साल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, बट इफ द स्टीम इज अ कूल प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन। तो देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या करते हैं, पानी लिया जाता है समंदर का, ठीक है, सी का, तो उसको जो है सूरज के किरने में रखते हैं, तो जो है पानी की वेपर बन जाएगी, वो निकल जाएगा ऊपर, और जो सैंड रहेगा वो नीचे हमें दिखाई देगा, या उसमें जो साल्ट रहता है वो लास्ट में बिहाइंड रहता है, ठीक है। देन जो है कि उसमें जो स्टीम होती है उसके ऊपर हमने ढक्कन रख दिया तो कूल हो जाएगी, उसका प्योर वाटर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्टिलेशन, बाय दिस मेथड वी गेट अ प्योर लिक्विड फ्रॉम द सोल्यूशन, द लिक्विड इज अ फर्स्ट अलाउड टू इवेपोरेट एंड देन द वेपर इज अ कंडेंसेंस, प्योर वाटर वी गेट फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ वेपर कॉल्ड डिस्टिल वाटर एंड यूज बाय द डॉक्टर, केमिस्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो इस मेथड में क्या होता है, तो जो लिक्विड रहता है उसको इवेपोरेट किया जाता है, देन वेपर को कंडेंसेशन किया जाता है, ठंड की जाती है। जैसे कि अगर हमने पानी, बर्तन है हमारे यहाँ पे, ओके, तो अगर हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, ऊपर से ढक्कन रख दिया, तो वेपर जो हो जाएगी वो ऊपर चिपक जाएगी, ठीक है, कुछ वेपर बाहर निकल जाएगी। फिर बाद में अगर हमने उसे ठंडा कर दिया तो हमें वहाँ पे डॉट डॉट दिखेंगे उस ढक्कन के ऊपर, तो वो होता है डिस्टिलेशन वाटर यानी शुद्ध पानी होता है। ओके, तो ये जो है कि डॉक्टर्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो मैंने अभी आपको लेसन सिखाया है अवर लाइफ सपोर्ट इसका पार्ट टू, तो ये जो लेसन है पार्ट वन पार्ट टू, ये दोनों वीडियो अच्छे से देखने हैं आपको, अंडरस्टैंड कर लेने हैं। ये लेसन जो है आपको रीड करना है केयरफुली, देन इस पे जो है मैं एक्सरसाइज दी गई है वो आपको अभी टीच करने वाली हूँ, तो वो साइंस के नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर के कंपोजिशन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ए सेवरल गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अदर गैसेस. ओके, सो नाइट्रोजन इज अबाउट 78%, ऑक्सीजन अबाउट 21% इन द एयर एंड अदर गैसेस विल बी 1%. ओके, नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ ए गैसेस फाउंड इन द एयर, एयर में जो गैसेस होते हैं उसके हमें यहाँ पे नाम लिखना है. तो आंसर में आपको लिखना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फाउंड इन द एयर. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, डायग्राम के जरिए हमें जो फिल्ट्रेशन के बारे में लिखना है, तो स्टूडेंट्स मैं बताती हूँ डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है. तो स्टूडेंट्स ये जो फिल्ट्रेशन की डायग्राम है ये ड्रॉ करनी है नोटबुक में और आंसर में आपको लिखना है टेक ए पीस ऑफ ए फिल्टर पेपर एंड मेक अ फनेल, पोर सम सैंडी वाटर इन टू इट, द फाइन होल्स इन द फिल्टर पेपर अलाउ द लिक्विड टू पास थ्रू बट नॉट द सैंड पार्टिकल, द सैंड पार्टिकल दैट रिमेन्स ऑन द पेपर इज कॉल्ड ए रिसाइड्यूट व्हाइल द लिक्विड विच पासेज थ्रू इट्स कॉल्ड ए फिल्ट्रेट. ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है स्टूडेंट्स. तो आपको आंसर में लिखना है नॉर्मली द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड द स्ट्रॉ इज इक्वल बट व्हेन यू स्टक द स्ट्रॉ मोस्ट ऑफ द एयर इन द स्ट्रॉ मूव्स इन टू योर माउथ सो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर इज लेफ्ट इनसाइड द स्ट्रॉ, दिस मेक्स द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ लेस देन दैट द outside air. So outside air exerts more pressure on the water due to which is rise up in the straw. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, that's why air exert pressure. Okay, what do you mean by humidity? Humidity किसे कहा जाता है, तो students आपको आंसर में लिखना है the amount of water vapor in the air is called humidity. Okay, next how डिसेंटेशन इज डिफर फ्रॉम फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से डिसेंटेशन किस तरह से डिफरेंट होता है, तो आपको आंसर में लिखना है इन डिसेंटेशन प्रोसेस द सेंडिमेंशन बिहाइंड एंड इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस द सैंड पार्टिकल बिहाइंड. ओके, नेक्स्ट राइट द टू टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज के टू टाइप्स लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है द टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इज फर्स्ट है सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज एंड सेकंड वन इज इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोशिएटेड वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ट्रोपोस्फियर इनसोल्यूबल्स फॉर 78% डिसॉल्व. तो देखिए यहाँ पे हमें लिखना है द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू फोर लेयर्स. ओके, यहाँ फोर लिखना है. नेक्स्ट द लेयर इन विच वी लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. ओके, जहाँ पे हम रहते हैं उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं. एयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, या 78% लिखना है. वाटर कैन डिजोल्व मेनी थिंग, वाटर में बहुत सारी चीजें डिजोल्व हो सकती है. नेक्स्ट ब्लैंक पेज इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय सेंडिमेंटेशन, यहाँ इनसोल्यूबल लिखना है. ओके, नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ एटमोस्फेयर के बारे में हमें लिखना है. तो आपको आंसर में लिखना है स्टूडेंट्स द ब्लैंकेट ऑफ ए एयर सर अराउंड बाय द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फियर. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है इट लाइज अबाउट द ट्रोपोस्फियर, इन दिस लेयर एयर इज अ वेरी थिन ओजोन लेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस स्ट्रेटोस्फियर. ओके, नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन, तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ मिक्सिंग ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन द एयर कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन. ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है अवर लाइफ सपोर्ट इस लेसन की आपके साइंस के नोटबुक में आपको सॉल्व करनी है. साथ में जहाँ गिवन स्पेस दिया है यहाँ पे जो है आपको सॉल्व करना है, देन इसके जो फोटोज है मुझे सेंड करने हैं. साथ में मैंने जो आपको डायग्राम बताई थी वो डायग्राम भी ड्रॉ करनी है और उसे लेबल करना है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू.